Hello students, I am Sonika Rumba and today I am here to teach you our history of class 4 and our subject is SST. So today we will do part 1 of this topic, that is our history. Okay. So now under this we will learn ancient period, medieval period and modern period. सो आर टॉपिक इज आर हिस्ट्री, यानी कि आज हम आर हिस्ट्री यानी कि हमारे जो भारत है ना, हमारे इंडिया, उसकी हिस्ट्री में पढ़ेंगे हम. ठीक है, इसका इतिहास क्या था. ठीक है, आप सब लोग तो हिस्ट्री पढ़ते ही हो, है ना, डिफरेंट डिफरेंट हिस्ट्री पढ़ते हो, पर आज का ये जो क्लास है यहाँ पर हमारा जो इंडिया में सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुआ है ना, और कौन से पीरियड में डिवाइड हुआ है ना, और हमारा वो सम्राट थे है ना, वो कैसे थे है ना, वो आज हम वो देखेंगे हमारे इंडिया के और हिस्ट्री यानी कि हमारे देश के हिस्ट्री में. तो आज हम हमारा जो इंडिया है, हमारा देश इंडिया, उसे फोकस करके पढ़ेंगे, क्योंकि आप लोग इंडिया में रहते हो है ना, और आप लोग इंडिया में रह के इंडिया की हिस्ट्री पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है, तो आज हम वही पढ़ेंगे. So under this today we will learn ancient history, medieval history and modern history. So let's start with the introduction. तो हम introduction से start करते हैं. Introduction. India has glorious past. So India के जो past है वो बहुत glorious है. ठीक है, एंड ये जो हमारे इंडिया के जो पीरियड्स है ना, जो हमारे इंडिया के जो डिफरेंट पीरियड्स है, वो तीन भाग में डिवाइड हुआ है. इट इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री पीरियड्स, यानी कि इंडिया के पीरियड्स तीन भाग, यानी कि जो एज होता है ना, वो तीन भाग में डिवाइड हुआ है. नंबर वन है एंशिएंट पीरियड, नंबर टू है मिडिवल पीरियड एंड नंबर थ्री है मॉडर्न पीरियड. तो ये जो एंशिएंट पीरियड है वो बिफोर 600 CE. ठीक है, सो बिफोर 600 सेंचुरी क्या होता है, एंशिएंट पीरियड होता है इंडिया का. और ये जो मिडिवल पीरियड है वो फ्रॉम 700 CE टू अबाउट 1750 CE. ठीक है, सो मिडिवल पीरियड कहाँ से कहाँ तक हुआ, फ्रॉम 700 CE टू अबाउट 1750 CE मिडिवल पीरियड. So when we talk about the modern period, third one, that is modern period, ये हुआ from 1750 CE to 1947. Okay? So this is our three periods of India. That is, number one is ancient period before 600 CE. Number two, medieval period from 700 CE to about 1750 CE. And number three, modern period from 1750 to 1947. So this is a different period of India. तो आज हम पहले start करेंगे ancient period से. ठीक है, ancient period यानी कि बहुत पुराना है ना. और जो ancient period है, जब उसके हम बात करते हैं तो earliest traces of human life found at Bimbetka. तो ये जो traces है, human life exist करते थे या नहीं करते थे, ये हमें किससे पता चलता है, Bimbetka से. क्योंकि this is, as you all can see, this is a Bimbetka cave painting है ना. और ये Bimbetka cave painting में क्या है, देखिए यहाँ पर there are human beings and they are hunting animals है ना. तो This proved that पहले human being हुआ करते थे, जो hunting करके रहते थे है ना. So Bimbetka, this one is Bimbetka and Bimbetka is all your traces of human life found at the Bimbetka है ना, Bimbetka show करता है. And there was a advanced civilization near the Indus River. So there was advanced civilization near the Indus River around 2500 BCE. This is called Indus Valley Civilization, also known as Harappan Civilization. So after the Bimbetka, Bimbetka ने प्रूव किया कि वहाँ पहले ह्यूमन लाइफ एग्जिस्ट करते थे है ना. और उसमें और उसके बाद जब ये जो Bimbetka है, ये भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है अभी.
ठीक है, इट इज नाउ अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बिम्बेदका. क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो बिम्बेदका भी क्या है? वर्ल्ड हेरिटेज साइट. हेरिटेज साइट. एंड आफ्टर दैट द हिस्टोरियन से है ना, जो हमारे जो हिस्टोरियंस है इंडिया के, उन लोगों ने बताया कि देर वॉज एडवांस सिविलाइजेशन है ना, इंडस रिवर. बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थे इंडस रिवर के वहाँ नियर द इंडस रिवर है ना, इंडस रिवर के पास में अराउंड 2500 BCE. बहुत एडवांस सिविलाइजेशन थे है ना. और जो इंडस है, जो इंडस रिवर, ये अभी पाकिस्तान में. इंडस कहाँ पर है अभी? पाकिस्तान में है. ठीक है. सो वो स्टूडेंट से दैट देर वॉज एडवांस सिविलाइजेशन नियर दी इंडस रिवर विच इज नाउ इन पाकिस्तान अराउंड 2500 BCE. और ये इंडस रिवर के पास में होने कारण से ये जो सिविलाइजेशन है इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, क्योंकि दिस सिविलाइजेशन इज नियर दी इंडस रिवर. बिकॉज ऑफ दैट दिस सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. ठीक है. एंड हड़प्पा वॉज द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड. और यहाँ पे फर्स्ट सिटी जो डिस्कवर्ड हुआ है यहाँ पर एक कौन सा सिटी है? हड़प्पा. HARAPPA. फर्स्ट डिस्कवर्ड सिटी इज हड़प्पा है ना. एंड अनदर सिटी इज मोहनजोदड़ो. कौन सा है? मोहन जो डारो. तो फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड इज हड़प्पा एंड द सेकेंड सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड वॉज मोहनजोदड़ो. और ये जो फर्स्ट सिटी हड़प्पा जो डिस्कवर्ड हुआ है ना, इसकी वजह से ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है इसे हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. ठीक है. तो जब अगले बार आप लोग के एग्जाम में जब आएगा इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन, आप लोग कंफ्यूज मत होइए. इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड हड़प्पन सिविलाइजेशन एक ही है. ठीक है. जिसके इंडस रिवर के पास में होने कारण से ये सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते हैं. एंड द फर्स्ट सिटी डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा है ना, इसीलिए इसे हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. सो दिस इज और द स्टार्टिंग ऑफ द एंशिएंट पीरियड. तो क्या हुआ? ऑलेस्ट ट्रेसेस ऑफ ह्यूमन लाइफ कहाँ पर मिला था पहले? बिम्बेदका ने. क्योंकि बिम्बेदका में देखिए यहाँ पर केव पेंटिंग है जो हंट कर रहे हैं ह्यूमन बींग्स है ना. सो दिस प्रूव्स दैट देयर वॉज ह्यूमन लाइफ अर्लियर. और धीरे धीरे जाके और ये अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है. और जो हिस्टोरियंस है, हिस्टोरियंस ने क्या बताया हम लोग को? एडवांस साइट था सिविलाइजेशन, एडवांस सिविलाइजेशन था नियर इंडस रिवर है ना. कब? 2500 BCE. और इसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं है ना. एंड द फर्स्ट सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पन सिविलाइजेशन है ना. हड़प्पन सिटी हड़प्पा, इसीलिए हम सिविलाइजेशन भी बोलते हैं. एंड और दूसरा सिटी जो डिस्कवर्ड हुआ था वो था मोहनजोदड़ो. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो फर्स्ट एडवांस सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन हुआ. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, कैसे था है ना, कहाँ पर था, वो अब हम देखेंगे. सो दिस इज और इंडस वैली सिविलाइजेशन. तो दिस इज आवर इंडिया है ना. तो इंडस वैली सिविलाइजेशन देखिए यहाँ पर है. ये देखिए यहाँ पर दिस वन इज द इंडस वैली सिविलाइजेशन. एंड द फर्स्ट सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड वॉज हड़प्पा, यहाँ पर है. एंड द सेकेंड सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड वॉज मोहनजोदड़ो. देखिए मोहनजोदड़ो यहाँ पर है. इंडस वैली थे इंडस रिवर के पास में थे है ना. तो इंडस रिवर यहाँ पर है. सो this is our Indus river, this is Indus valley civilization, this is Harappa and this is Mohenjo-daro. So this is our Indus valley civilization. So Indus valley civilization kya hai? Theek hai, it is the first known urban society. So Indus valley civilization kya hai? It is the first known urban society.
और ये कहाँ पर लोकेटेड हुआ है? इंडस वैली सिविलाइजेशन इज लोकेटेड वेयर? लोकेटेड अलोंग द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज। सो यहाँ पर देखिए इंडस रिवर है ना, और इसका ये जो ट्रिब्यूटरीज है, यहाँ पर इमेज आप लोग देख सकते हो। सो इट इज लोकेटेड अलोंग द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, है ना। और ये कहाँ से लेके कहाँ तक एक्सटेंड हुआ है? एक्सटेंडेड फ्रॉम द गंगा यमुना डोब। तो गंगा यमुना डोब से एक्सटेंड होके टू गुजरात, गुजरात तक एक्सटेंड हुआ है। कहाँ से लेके कहाँ तक? गंगा यमुना डोब से लेके गुजरात तक एक्सटेंड हुआ है एंड बियॉन्ड अप टू द नॉर्दर्न अफगानिस्तान, और नॉर्दर्न अफगानिस्तान तक एक्सटेंड हुआ है, ठीक है। सो कहाँ पर लोकेटेड हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन? लोकेटेड अलोंग द इंडस रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, एंड इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द गंगा यमुना डोब टू गुजरात एंड बियॉन्ड अप टू द नॉर्दर्न अफगानिस्तान, ठीक है। सो दिस इज द लोकेशन एंड द एक्सटेंशन ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थे, है ना, ये कैसा था? ठीक है, इट वॉज अ वेल प्लान सिटी, बहुत अच्छा, अच्छी तरह से प्लान को प्लान किया हुआ सिटी थे इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट वॉज वेल प्लान सिटीज, है ना, और यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी थे, जैसे कि ग्रेट बाथ एंड ग्रेट ग्रैनरी, दिस आर द इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग। इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग कौन सा था ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन? ग्रेट बाथ एंड ग्रैनरी। एज यू ऑल कैन सी, दिस इज द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये ग्रेट बाथ है, है ना। एंड देखिए इट इज मोस्ट वेल प्लान, है ना, कितनी अच्छी तरह से प्लान किया है। दिस आर द वेल प्लान सिटीज ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, है ना, और दिस इज इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स, क्योंकि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन वो बहुत वेल प्लान थे ना, तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स भी थे। तो ये रहा ग्रेट बाथ एंड इज ग्रैनरी। देखिए यहाँ पर ग्रैनरी आप लोग देख सकते हैं, दिस वन इज द ग्रैनरी ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। Seals, next one is seals, pottery, ज्वेलरी एंड other remains. So ये जो seals, pottery, ज्वेलरी एंड other remains है ना, जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है, ये हम लोग को बताता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन कैसे थे, है ना, वहाँ का पीपल कैसे थे, वहाँ का सोसाइटी कैसे थे, है ना। ये जो लाइफ, जैसा लाइफ ह्यूमन बींग कौन सा कैसे लाइफ लीड करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन में, है ना, कौन क्या खाते थे, क्या पहनते थे, है ना, हाउ दे ऑल यूज टू लिव, ये हमें किससे पता चलता है? सील्स, पॉटरी, ज्वेलरी एंड अदर इमेज जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन से मिला है, इसे हम लोग को पता चलता है, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ पर है? इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या है? इट इज़ अ फर्स्ट अर्बन सोसाइटी। सो इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पर है, देखिए, एंड द टू सिटीज विच वॉज फाउंड वॉज हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो, है ना। सो दिस इज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इट इज लोकेटेड नियर द इंडस रिवर, ठीक है, एंड इट एक्सटेंडेड फ्रॉम द गंगा यमुना डोब टू गुजरात एंड beyond up to the northern Afghanistan. And when we talk about the cities of the Indus Valley civilization, it is the well-planned cities, and the great building which are found in the Indus Valley civilization are Great Bath and Granary. Okay? And when we talk about the life of the people who used to live over there, है ना, वो कैसे प्रकार के कपड़े पहनते थे, खाते पीते थे, किस तरह से रहते थे, वो हमें कहाँ से पता चलता है? From the seals, pottery, jewelry, and other remains. And this is a great bath, you know? And this is a granary of Indus Valley civilization. So now we will talk about the Aryans. So Aryans का नाम आप सभी लोग ने सुना ही है ना? तो Aryans कौन थे वो हम देखेंगे. Aryans.
Aryans. Around 1500 BCE, tribes migrated from Central Asia. They were known as Aryans. So around 1500 BCE में ये जो group of tribes है ना, ये जो एक group of tribes थे वो Central Asia से लेके migrate होते आ गया, ठीक है? और दे माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया और धीरे धीरे इंडिया में आ गए हैं ना, जिसके आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सेंट्रल एशिया से माइग्रेट होते 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 इस तरह से इंडिया में पहुँच गए, व्हेन 1500 बीसीई में हुआ था. 1500 बीसीई में इस तरह से अ ग्रुप ऑफ ट्राइब्स माइग्रेटेड फ्रॉम द सेंट्रल एशिया. तो ये जो ट्राइब्स है जो सेंट्रल एशिया से माइग्रेटेड होके आया है इंडिया में, इसे हम बोलते हैं आर्यंस. सो द पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल हु माइग्रेटेड फ्रॉम सेंट्रल एशिया अराउंड 1500 बीसीई वे नोन एज द आर्यंस. ठीक है, तो ये ये सब लोग तो आ गए हैं ना, तो आके इंडिया में कहाँ कहाँ सेटल करने लगे. जो वो जब सेंट्रल एशिया से होके इंडिया में आया था, फर्स्ट दे सेटल इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस. कहाँ पर सेटल हुआ था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब. तो ये जो आर्यंस फर्स्ट सेंट्रल एशिया से होके आया था है ना, वो कहाँ पर सेटल हुआ था? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब, है ना, विच वॉज देन कॉल्ड द सप्त सिंधु. जो उस वक्त सप्त सिंधु बोलते थे, इसे हम क्या बोलते थे? सप्त सिंधु, बिकॉज देयर वाज अ सेवन रिवर्स, इसकी वजह से ही हम सप्त सिंधु बोलते हैं. इसीलिए सो दे ऑल सेटल इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब, विच वॉज देन कॉल्ड सप्त सिंधु. ठीक है, तो इन लोग यहाँ पर सेटल करने लगे जब आर्यंस पहली बार आए थे, है ना. जब आर्यंस पहली बार यहाँ पर आए थे, क्या किया उन लोग ने? दे ड्रोव अवे दासस और दासियस. ठीक है, तो यहाँ पर दासस और दासियस रहते थे नॉर्थ इंडिया में, है ना. उन लोग ने ये जो आर्यन से उन लोग ने क्या हटवाया? दासस और दासियस को हटवाया. ठीक है, आर्यन से. एंड दे ऑल लिव्ड ओवर देयर फॉर मेनी सेंचुरीज, है ना. एंड दे लिव्ड देयर फॉर मेनी सेंचुरीज, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में पहले दासस और दासियस रहते थे, पर जब आर्यंस आया है ना, उन लोगों ने इन लोगों को हटा दिया और वहाँ पर फॉर मेनी सेंचुरीज दे लिव्ड, आर्यंस वहाँ पर रहने लगे. एंड लेटर क्या हुआ? दे ऑल बिल्ड सेटलमेंट अलोंग द गंगा एंड यमुना रिवर. पहले तो नॉर्थ इंडिया दासस एंड दासियस को हटा के रहते थे, पर बाद में जाके उन लोग ने अलोंग द गंगा एंड यमुना रिवर में अपना सेटलमेंट बना दिया. कहाँ पर? गंगा एंड यमुना रिवर पर. ठीक है, अलोंग द गंगा एंड यमुना रिवर पर अपना सेटलमेंट बनाना स्टार्ट कर दिया वो आर्यंस. आर्यंस ने बनाना स्टार्ट कर दिया. एंड जो आर्यंस है ना, दे मेनली डोमेस के लिए डोमेस्टिकेशन करते थे एनिमल्स, है ना, डोमेस्टिकेट करते थे एनिमल्स. और जो क्रॉप उगवाते थे, है ना, यानी कि ये लोग खेती करते थे, एनिमल डोमेस्टिकेट करते थे, बिजनेस नहीं करते थे आर्यंस के. दे ऑल यूज डोमेस्टिकेट एंड ग्रो क्रॉप्स. और जो आर्यंस है, ये किस पे बिलीव करते थे आर्यंस? They believe in open air ceremonies and sacrifices. So, ये जो sacrifices है ना, ये Aryan sacrifices, यानी open air ceremonies जो हम sacrifices में भी कहते हैं ना, ये इसमें Aryans believe करते थे, है ना. एंड द वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडो आर्यंस इज एसोसिएटेड विद द वेदास. ठीक है, तो ये जो Aryans है वो दे आर मेनली एसोसिएटेड विद दी वेदास. वेदास में एसोसिएटेड है आर्यंस. ठीक है, द वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ द इंडो आर्यंस इज एसोसिएटेड विद दी वेदास. एंड आर्यंस वे द फर्स्ट हू राइट इन संस्कृत. सो ये जो आर्यंस है वो वेदास में एसोसिएटेड थे, है ना. और आर्यंस ने क्या लिखा? दे वेर द फर्स्ट हू राइट इन संस्कृत. वही पहले थे आर्यंस जिसे संस्कृत में लिखना स्टार्ट कर दिया था. और मेनी बुक्स है ना, जैसे कि मेनी बुक्स लाइक वेदास, उपनिषद्स एंड एपिक. एपिक जहाँ पर आता है हमारा रामायण एंड महाभारत, ये सब कौन से पीरियड में लिखा था? वैदिक पीरियड में. क्योंकि ये जो आर्यंस आया था उसका उसे हम वैदिक पीरियड में बोलते हैं ना, है ना. सो इस सो दिस सो ड्यूरिंग दिस वैदिक पीरियड मेनी बुक्स लाइक वेदास,
Upanishads, and epic like Ramayana and Mahabharata was composed. ठीक है. एंड और जब हम ये बुक पढ़ते हैं ना, दिस बुक्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर अस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द पीपल एंड सिविलाइजेशन ऑफ दैट टाइम. है ना, जब हम इसके बुक में पढ़ते हैं तो उस वक्त सिविलाइजेशन कैसे थे, है ना, उस वक्त पीपल कैसे रहते थे, वो हम जब ये बुक पढ़ते हैं उस वक्त हमें पता चलता है. ठीक है. एंड दिस पीरियड इज नोन एज द वैदिक एज. सो यहाँ पर वेदास कंपोज हुआ था, दे वर द फर्स्ट टू राइट इन संस्कृत, है ना, उस वक्त उपनिषद भी कंपोज हुआ था, एंड एपिक लाइक रामायण एंड महाभारत. सो ये जो पीरियड है इसे हम क्या भी बोलते हैं, वैदिक एज भी बोलते हैं. ठीक है. सो जब आर्यन हुआ था, जो आर्यन का एज है उसे हम क्या बोलते हैं, वैदिक एज. सो आर्यन कहाँ से आया था, सेंट्रल एशिया से होके इंडिया पे आए थे अराउंड 1500 BCE एंड सेटल इन दी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब, है ना, जो पहले सप्त सिंधु बोला जाता था क्योंकि सब सेवन रिवर्स थे वहां पर, इसीलिए सेटल इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पंजाब विच वॉज देन कॉल्ड दी सप्त सिंधु, क्योंकि देर वॉज अ सेवन रिवर्स ओवर देयर, बिकॉज ऑफ दैट इसे हम बोलते हैं सप्त सिंधु. और जब ये पहली बार आए थे आर्यन, दे ड्रॉप अवे दी दासस और दासियों से, है ना, और वहाँ पर बैठने लगे, है ना, फॉर मेनी सेंचुरीज दे लिव्ड ओवर देयर. एंड दिस आर्यन क्या करते, वो लोग एनिमल डोमेस्टिकेट करते थे एंड दे ऑल यूज टू ग्रो क्रॉप्स, है ना, एंड दे बिलीव इन द ओपन एयर सेरेमोनीज एंड सेक्रीफाइसेस. सो दे ऑल यूज टू बिलीव इन ओपन एयर सेरेमोनीज एंड सेक्रीफाइसेस. एंड जो आर्यन है ना, आर्यन दे वेर एसोसिएटेड विद वेदास एसोसिएटेड है आर्यन एंड दे वे द फर्स्ट हु राइट इन संस्कृत. दे वे द फर्स्ट जिसे संस्कृत में लिखा. और ये जो मेनी इंपॉर्टेंट बुक्स जैसे कि वेदास, उपनिषद एंड एपिक, लाइक एपिक में हमारा कौन कौन सा आता है, रामायण एंड महाभारत, ये सब किसने कंपोज किया था, आर्यन ने. And this period is also known as the Vedic age. और this period, ये जो period है इसे हम Aryan Vedic age भी बोलते हैं. ठीक है. So now we will talk about the Mahajanapadas. So अब हम Mahajanapadas के बारे में बात करते हैं. तो ये जो Mahajanapadas क्या है, ठीक है, MAHAJANAPADAS Mahajanapadas. So, a number of the kingdoms and republic emerged across the Indo-Gangetic Plains and southern India. So, Indo-Gangetic Plains and southern India Indo-Gangetic Plain and Southern India में क्या हुआ था, a number of kingdom and republic emerged. ठीक है. तो number of kingdom emerged हुआ था कहाँ पर, Indo-Gangetic Plains and Southern India में. ठीक है. बहुत important, बहुत बड़ा बड़ा kingdoms and republics emerged हुआ था उसमें से लेके ये जो 16 kingdoms है जिसे हम मिला के महाजनपदास बोलते हैं. ठीक है. So out of them 16 महाजनपदास इन नॉर्थ इंडिया. सो ये जो 16 किंगडम्स है उसे हम कंबाइन करके महाजनपदास बोलते हैं एंड दे ऑल वे सिचुएटेड इन नॉर्थ इंडिया. ठीक है. तो ये 16 महाजनपद यानी कि 16 सिटी कौन कौन सा है, इसमें आता है अंगा, मगध, भज्जी, मल्ला, काशी, कोसला, वत्स, छेदी, कुरु, पंचला, सुरसेना, मत्स्य, अवंती, आसमारा, गांधारा एंड कंबोजा. ठीक है. तो ये जो 16 किंगडम्स है इसके अंगा, मगध, वज्जी, है ना, इसे हम बोलते हैं 16 महाजनपदास इन नॉर्थ इंडिया. सो
अब जब हम ये रहा हमारे इंडिया, तो यहाँ पर आप देख सकते हो अस्मक, मगध, अंगा, मल्ला, काशी, वज्जी, कोसला, वत्स्य, छेदी, अवंती, मत्स्य, तो ये जो भी है 16, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो 16 महाजनपदस कहाँ कहाँ पर है, ठीक है। दिस वेर दी पावरफुल किंगडम्स एंड रिपब्लिक्स विच इमर्ज इन दी इंडो गैंगेटिक प्लेन्स एंड दी साउथर्न इंडिया, एंड आउट ऑफ देम द 16 इंपॉर्टेंट किंगडम्स विच रोज टू पावर वॉज दिस 16 किंगडम्स, जिसे हम जनपद भी बोलते हैं। और तो ये एक दूसरे से फाइट करने लगे है ना, बहुत वॉर हुआ था और पावर के लिए वॉर हुआ था। लास्ट में जाके है ना, एट द लास्ट क्या हुआ था, मगध, यानी कि मगधा वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम्स। सो इसमें से लेके मोस्ट पावरफुल कौन सा था, मगध, ठीक है। मगध वॉज द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया विच वॉज सेंटर ऑफ द गैंगेटिक प्लेन, ठीक है। ऑफ नॉर्थ इंडिया, मगध वॉज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल किंगडम ऑफ नॉर्थ इंडिया विच वॉज द सेंटर ऑफ द गैंगेटिक प्लेन। सो ये मगध कहाँ पर है, यहाँ ये रहा हमारे इंडिया का मैप है ना, इंडिया अराउंड 600 BC का मैप है। तो मगध कहाँ पर है, मगध यहाँ पर है। सो बाद में जाके जो 16 किंगडम्स है उसमें से लेकर मोस्ट पावरफुल कौन सा हुआ, मगध। सो दिस आर आवर महाजनपदास, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट दी अलेक्जेंडर द ग्रेट। सो अलेक्जेंडर द ग्रेट, अलेक्जेंडर कौन थे, सो ही इज अलेक्जेंडर, एज यू ऑल कैन सी द इमेज ऑफ द अलेक्जेंडर है ना। तो आज हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में बात करेंगे, अलेक्जेंडर द ग्रेट। सो इन 4th century BCE द ग्रीक्स एंड द इरानियंस, इन द 4th century BCE द ग्रीक्स एंड इरानियंस फॉट फॉर द सुप्रीमेसी ओवर द वर्ल्ड। सो 4th century BCE में क्या हुआ, ग्रीक्स एंड इरानियंस है ना, जो वो पावर के लिए वर्ल्ड में कैप्चर करने के लिए, सुप्रीमेसी गेन करने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगे इरानियंस एंड दी ग्रीक्स इन दी 4th century BCE। सो अलेक्जेंडर ऑफ मेसिडोनिया गेन विक्ट्री। तो ग्रीक्स के कौन थे, अलेक्जेंडर अंडर लीडरशिप ऑफ द अलेक्जेंडर है ना, ग्रीक्स का कौन था, अलेक्जेंडर था है ना, अलेक्जेंडर ऑफ मेसिडोनिया गेन विक्ट्री। सो अंडर लीडरशिप ऑफ अलेक्जेंडर ऑफ मेसिडोनिया द ग्रीक्स फाइनली डिस्ट्रॉय द इरानियन एम्पायर। तो अलेक्जेंडर ऑफ मेसिडोनिया की वजह से इरानियंस डिस्ट्रॉयड हो गया, ठीक है। एंड और उनने क्या क्या कंकर्ड किया, अलेक्जेंडर ने ही कंकर्ड काबुल वैली है ना, अलेक्जेंडर ने क्या किया, काबुल वैली एंड हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उन्होंने कंकर्ड किया अलेक्जेंडर ने है ना। एंड ये जो काबुल वैली एंड हिली एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है, उसे कंकर्ड करके अलेक्जेंडर पहुंच गए ओहिंद नियर अटॉक इन 326 BC। तो इसे कंकर्ड करके अलेक्जेंडर कहाँ पर पहुंचे, रिच ओहिंद नियर एंड रिच ओहिंद नियर अटॉक इन 326 BC। एंड वेन ही रिच ओवर देयर है ना, उन्हें क्या किया, ही डिफिटेड पोरस, ठीक है, उन्होंने पोरस को हराया। बट पोरस ऑफ पंजाब, पोरस कहाँ के राजा थे, पंजाब, पोरस ऑफ पंजाब, ही डिफिटेड पोरस ऑफ पंजाब। बट अलेक्जेंडर ने डिफीट कर लिया, बट ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, किसे इम्प्रेस हुआ था, विद द ब्रेवरी ऑफ द पोरस, ठीक है। और बाद में जाके जो पोरस अलेक्जेंडर है वो अच्छे मित्र भी बने थे बाद में जाके, ठीक है, बिकॉज अलेक्जेंडर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द ब्रेवरी ऑफ द पोरस, क्योंकि अन्य राजा के जैसे नहीं था वो जो सरेंडर करे है ना, वो इतने कितनी बहादुरी से फाइट किया अलेक्जेंडर के साथ, इसलिए ही वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, अलेक्जेंडर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड विद द ब्रेवरी ऑफ द पोरस। एंड और बाद में जाके ना वॉल कंकर करने के लिए आए थे अलेक्जेंडर एंड हिज आर्मी है ना, और बाद में जाके दे ऑल वे वेरी टायर्ड, उन लोग को वो थक गए थे और उन लोग को घर के याद आ रहे थे है ना। तो क्या हुआ, उन लोग ने क्या किया, ही डाइड, वो लोग घर लौटने लगे, ठीक है,
एलेक्जेंडर एंड हिज आर्मी दे ऑल डिसाइडेड टू रिटर्न देयर होम. और जब वो घर जा रहे थे तो क्या हुआ, ही डाइड ऑन हिज वे. रास्ते में ही उसका एलेक्जेंडर का देहांत हो गया, रास्ते में ही, है ना. कहाँ पर हुआ था, एट द एज ऑफ 33 इन बेबीलोन इन 323 BC. तो जब एलेक्जेंडर का देहांत हुआ था, है ना, उस वक्त एलेक्जेंडर सिर्फ 33 ईयर्स ओल्ड ही था, है ना, और वो बेबीलोन इन 323 BC में ध्यान हुआ था. सो दिस इज आवर अलेक्जेंडर द ग्रेट. सो टुडे वी विल डू टिल अलेक्जेंडर द ग्रेट एंड नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टुवर्ड्स द चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, है ना. दिस ऑल बिलोंग टू द एंशिएंट पीरियड एंड द गोल्डन एज ऑफ द गुप्तास, यानी गुप्ता पीरियड. सो आफ्टर दैट वी विल प्रोसीड टुवर्ड्स द मिडिवल पीरियड इन द नेक्स्ट क्लास. Okay, so thank you, students.